दोस्तों, Xiaomi ने लॉन्च कर दी है अपनी नई A सीरीज 32 इंच की टीवी 2024 मॉडल। ऑब्वियसली इस वीडियो में हम उस टीवी की सारी बात बताने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे हैं रीरावत चैनल। हम टीवीज की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते रहते हैं। ढेर सारी टीवियों की अनबॉक्सिंग करी है, इसकी भी करेंगे, लास्ट ईयर वाले ए सीरीज की भी करी थी, उसके कंपेरिजन भी किए थे। इस साल भी इस ए सीरीज 32 इंच की अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पर होगी। 28 को रिलीज है ना, 29 को वीडियो मिल जाएगी, टेंशन ना लो। अब बात मुद्दा ही आ रहा है, ये तो ओवरव्यू है जिसमें मैं सिर्फ फीचर्स वगैरह के बारे में बताऊंगा। टीवी हम 28 को खरीद के रिव्यू करेंगे, लेकिन आपको खरीदनी हो ना तो यहाँ पर आता है, डिस्क्रिप्शन जाके आप खरीद सकते हो। टीवी में कुछ फीचर्स हैं जो हम आपको बताएंगे। एक्चुअली ना कुछ फीचर्स बदला नहीं है, जो लास्ट ईयर था वही लगभग सेम टू सेम लग रहा है, बस सेम टू सेम होना हम ये चाहते हैं। थोड़ा सा पैनल थोड़ा सा कम ब्राइट था, हम चाहते हैं इस साल थोड़ा सा बेटर हो। इस साल बोल रहे हैं गूगल टीवी है, विविड पिक्चर इंजन है, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है एंड शाओमी टीवी प्लस। शाओमी टीवी प्लस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा बात करने से ना यूट्यूब कॉपी राइट और पता नहीं क्या कर देता है। पैच वॉल प्लस इज अ सर्विस जो आपको कुछ फ्री के लाइव टीवी चैनल्स इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करवाती है। ओके, गूगल का सपोर्ट है। एंड्रॉइड 11 मिल रहा है आपको 2024, मतलब कि एंड्रॉइड 14 आ चुका है। भैया कहाँ हो, लेकिन चलो ठीक है, लगभग सभी टीवी में भी एंड्रॉइड 11 आ रहा है, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। पर गूगल टीवी का सपोर्ट है, डीटेल्स वर्चुअल है, 20 वॉट के स्पीकर, सब कुछ वही है, 24 वॉट के स्पीकर भी नहीं दे रहे हैं। 1.5 GB की रैम। लास्ट ईयर से बदला क्या है आपने, मुझे बस इतना जानने में इंटरेस्ट है। स्पीकर से मैं प्रीमियम वायरलेस डिजाइन लास्ट ईयर भी थी, इस साल भी दी गई है, क्या बदला पता नहीं। देखते हैं। फिर भी टीवी अच्छा लग रहा है, प्राइसिंग थोड़ी सी बदली है ऐसा लग रहा है। विविड पिक्चर इंजन इसमें आपको मिलता है, एंटरटेनमेंट यू लव, गूगल टीवी का सपोर्ट है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, एप्पल टीवी का भी सपोर्ट है, साउंड टीवी प्लस मिलता है, स्लीक रिमोट मिलता है, रिमोट भी एग्जैक्टली सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, क्विक वे, क्विक म्यूट और क्विक सेटिंग्स के ऑप्शन उसमें भी मिलेंगे, और जो क्वालिटी शाओमी की रहती है वो बिल्कुल सेम है। पोर्ट्स भी सारे मिल जाएंगे इसमें आपको, हेडफोन, एवी इनपुट, इथरनेट, यूएसबी, एचडीएमआई दो मिलेंगे। डिज़ाइन मेटल बिल्ड रहेगा, चलो ये बात अच्छी है, एक अच्छे ब्रांड के साथ अच्छा आपको वो मिल रहा है, 4 स्टार की इसकी रेटिंग रहेगी। तो दोस्तों, वैसे तो टीवी नया है, 12,500 रुपये में मिल रहा है, ठीक टीवी है, पहले ईयर से लास्ट वाले ईयर से कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की ही गई होगी, दिख तो नहीं रही है ऑन पेपर, जब हाथ में आएगी टीवी तो आपको जरूर बताएंगे। बट ओवरऑल अगर आप हैंड टू हैंड फर्स्ट डे पर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। 12,500 रुपये में माइक ट्रस्ट के साथ एक टीवी मिल रहा है जो कि HD रिजोल्यूशन के साथ में और गूगल टीवी के साथ में है, टीवी अच्छा ही रहने वाला है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन के बाकी जो सेगमेंट में टीवी हैं जैसे कि Acer V सीरीज QLED उसको पछाड़ पाएगा कि नहीं। स्ट्रेट आंसर है नहीं, नहीं पछाड़ पाएगा। माइक पे जाके बोल रहा था मैं, क्योंकि Acer V सीरीज QLED ने लास्ट ईयर A सीरीज के मॉडल की धज्जियां उड़ा दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा मैं उसको, उस वीडियो को जाके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि MI A सीरीज का क्या हाल हुआ था लास्ट ईयर। इस साल भी मुझे कुछ लगता नहीं डिफरेंस होगा, लेकिन फिर भी हमारा तो काम है टीवी खरीदना, ब्रांड का रिव्यू नहीं करते, टीवी को रिव्यू करते हैं, खरीद के लाएंगे, रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कैसा टीवी है। बट ओवरऑल लास्ट ईयर का टीवी मैंने सजेस्ट किया था, ऐसी बात नहीं है, ठीक ठाक टीवी था, लेने लायक था 12,500 रुपये में, इस साल भी लग रहा है। लेकिन डोंट थिंक कि दिस इज द बेस्ट बजट 32 इंच टीवी, फॉर श्योर दिस इज नॉट गोइंग टू बी दैट, बट हाँ, लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट द वीडियो आल्सो। थैंक यू वेरी मच।